आज मैं गेहूं के आटे का दूध पिट्ठा की रेसिपी शेयर कर रही हूं और ये एकदम पारंपरिक रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो दूध पिट्ठा बनाना शुरू करते हैं। तो दूध पिट्ठा के लिए हम आधा कटोरी गेहूँ का आटा लिए हैं। गेहूँ के आटे की जगह चावल का आटा का भी पिट्ठा हम बना सकते हैं और इसमें हम आधा चम्मच डाल दिए हैं घी और अच्छा से हम मिला लेंगे गेहूँ के आटे में घी को। तो यहाँ पे देखिए घी को अच्छे तरह से आटे में मिक्स कर लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो तैयार करेंगे। तो इसको एकदम टाइट हमें गूँथना है, तो इसको अच्छी तरह से मसल मसल के हम गूँथ लेंगे और एकदम टाइट आटा लगाएंगे हम। और इस तरह से देखिए आटा हम गूँथ लिए हैं। तो थोड़ा सा आटा है, इसको एक बर्तन में हम रख लेते हैं और एक प्लेट लेंगे और इसमें थोड़ा सा हम आटा छिड़क देंगे, सूखा आटा, ताकि जो भी हम पिट्ठा गढ़ेंगे वो ना चिपके। आटा का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसको हाथों के बीच में घुमा देंगे तो ये देखिए पिट्ठा का शेप का हो जाएगा। और इसको रखते जाएंगे प्लेट में और थोड़ा थोड़ा आटा हम छिड़क देंगे ताकि ना चिपके ये एक दूसरे से। तो ये थोड़ा मेहनत लगता है लेकिन ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और यहाँ पे देखिए सारा पिट्ठा हम इस तरह से गढ़ लिए हैं। तो इसमें जो आटा हम डाले थे सूखा आटा, इसको एक बार हम अलग कर लेंगे। तो फिल्टर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम पिट्ठा को और इस तरह से फिल्टर से हम इसको छान देंगे तो एक्स्ट्रा जो भी आटा इसमें था वो अलग हो जाएगा, ना तो ये दूध में अगर जाएगा तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने लगेगा। और अब हम गैस ऑन करके कढ़ाई गरम कर लिए हैं और इसमें डाल देंगे एक चम्मच देसी घी और घी को गरम करेंगे। घी गरम होने के बाद इसमें हम जो पिट्ठा गढ़े थे वो डाल देंगे और इसको फ्राई करेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे और लगातार चलाते हुए इसको हम थोड़ा सा क्रिस्प हो जाए और इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए जब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से 6 मिनट हम फ्राई किए हैं। पिट्ठा को निकाल लेते हैं एक बर्तन में। अब हम पिट्ठा के लिए दूध को बॉईल करेंगे। तो जिसमें हम पिट्ठा फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम दूध को बॉईल कर लेंगे। तो थोड़ा कढ़ाई को साफ़ कर लेते हैं और इसमें हम दूध को डाल देंगे। तो 750 ग्राम हम दूध का यूज़ किए हैं और दूध को बॉईल आने देंगे और तले में चम्मच को हम बार बार लगाते रहेंगे ताकि दूध नीचे से ना छिपके, और लगातार इसको चलाते रहेंगे। दूध में बॉईल आ गया है और जो ऊपर से मलाई लगता है उसको हम हटाते रहेंगे। तो अच्छी तरह से देखिए दूध बॉईल हो गया है। अब हम इसमें फ्राई किया हुआ जो पिट्ठा था उसको डाल देंगे और इसको चलाते रहेंगे। तो मीडियम फ्लेम रखेंगे और पिट्ठा को 15 से 18 मिनट तक पकाएंगे। और अब इसमें हम डाल देंगे इलायची। इलायची से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो 2 इलायची हम कूट करके डाले हैं और जो भी मलाई आता है ऊपर से उसको हटाते रहेंगे और चम्मच को अच्छा तरह से इसको चलाते रहेंगे और धीरे धीरे ये गाढ़ा हो जाएगा। तो इसको थोड़ा 15 से 18 मिनट लगेगा पकने में, पूरा पिट्ठा कंप्लीट होने में। और ये देखिए गाढ़ा होने लगा है पिट्ठा। तो अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो स्वाद के अनुसार चीनी हम लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे छोटे छोटे कटे हुए बादाम। तो अपने पसंद के अनुसार ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, नहीं तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये दूध पिट्ठा बहुत ही अच्छा लगता है। पसंद है तो डालें, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स को स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमारा दूध पिट्ठा बन करके तैयार है। तो एक बाउल में हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो है ना एकदम इसको बनाना आसान और बहुत ही मज़ेदार बना है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो एक बार आप इसको ज़रूर बनाइए। आप इसको कोई भी ओकेज़न में बना सकते हैं और जब मन किया आपको कुछ मीठा खाने का तो आप इसको बनाइए। और आज की मेरी गेहूं के आटे की दूध पिट्ठा की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे आने वाले रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।